इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू बीबी न्यूज। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार जा चुकी है। डीरेगुलेशन के बाद ये पहली बार हुआ है कि पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़े हैं और अब सरकार के माथे पर भी बिल पड़ने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत कर रही है और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास टैक्स घटाने की सलाह दे रहे हैं। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओपेक देशों से क्रूड सप्लाई में कटौती कम करने की गुजारिश कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में अब तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ग्लोबल न्यूज एजेंसी रूटर्स के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए अब एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार कर रहा है। सरकार से जुड़े 3 अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला अब देश बन चुका है। ग्लोबल मार्केट में बीते 10 महीने में कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी हो चुकी है, जिससे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट प्राइस में करीब 60% हिस्सा टैक्स और ड्यूटी का होता है जो सरकार वसूलती है। आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस महामारी ने देश की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लगाया, तब सरकार ने पिछले साल सस्ते कच्चे तेल का फायदा लोगों को देने की बजाय अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 12 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 बार बढ़ोतरी कर दी। सूत्रों के मुताबिक अब वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय से इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।